सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि विंडोज 10 के अंदर माउस पॉइंटर का कलर कैसे बदलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मेरा पॉइंटर जो है वो देख सकते हैं आप, येलो कलर का है। विंडोज 10 के ऊपर इससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो माउस पॉइंटर का कलर बदलने के लिए हमको यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में नीचे सर्च ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमें टाइप करना है माउस सेटिंग। तो जैसे ही मैंने माउस सेटिंग यहाँ पर देखिए टाइप किया, ऊपर ऑप्शन आ गया माउस सेटिंग, इस पर क्लिक कर दीजिए तो माउस सेटिंग का पेज ओपन हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमको ऑप्शन मिलता है माउस एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखिए ये सारे कलर्स आ गए। ठीक है, अब इस जिस कलर पे भी आपको चाहिए, मान लीजिए मुझे पिंक कलर में चाहिए तो मैंने इसे पिंक पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कर्सर यहाँ पे पिंक कलर का हो गया। अगर ये कलर काफी नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए पिक कस्टम कलर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, पिक अ कस्टम पॉइंटर कलर, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर और भी बहुत सारे वेरिएशन आपको मिल जाएंगे। जो कलर आप चाहिए आपको वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बस डन पे क्लिक करते ही यहाँ से इसको क्रॉस कर दीजिए और पॉइंटर देखेंगे आपका कलर जो है वो बदल गया।